अरे ओ पिंटू, यहां बैठ के क्या कर रहा है? अबे वो अकल से पैदल दिख नहीं रहा क्या? कार्टून बना रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ। यार पिंटू, मन्ने भी कुछ सिखा दे यार, तन्ने तो आ दूंगा कसम से। चल फिर अपन लेके चलता है तेरे को अपने गुरु के पास। माँ कसम मजा आ जाएगा मजा। हम मैं निकला हो गड्डी लेके हो रस्ते में। हाँ तो मेरे शेरों, कार्टून मूवीज बनानी हो, कार्टून क्लिप्स बनाने हो, कार्टून की पोइम्स बनानी हो, आज के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में कंप्लीट फ्री ऑफ कोर्स आपको मिस्टर हाउस सिखाने जा रहा है कि आप दुनिया के सबसे बेस्ट कार्टून किस तरह बना सकते हैं, जो आपका दिल करे वैसा बनाना। लेकिन एक चीज बता दूं भाई, जब तक मैं हूं मैं काम सिखा रहा हूं, जब मैं ना रहा तो यही चीजें आपको, आपसे पैसे लेके आपको सर्विस दी जाएगी, आपको सिखाया नहीं जाएगा, जिस तरह पहले भी चलता था। और दुनिया में सबसे ज्यादा जो वीडियोस कमाती हैं वो कार्टून वीडियोस होती हैं, और आज के बाद आपका काम बोलेगा, ये बात लिख के ले लेना। एक एक चीज एक एक क्लिक करके इन डिटेल समझाने जा रहा हूं। ये लोग ना लाखों रुपए लेके भी नहीं सिखाते ना समझाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने चूरन बेचने होते हैं, वो खुद इन तरीकों से कमाते हैं, लोगों को नहीं बताते। ये चीज पाकिस्तान में अभी तक किसी ने नहीं सिखाई हुई। तो सब्सक्राइब ना करो, अनसब्सक्राइब करो, लाइक ना करो, अनलाइक करो, कमेंट में गालियां दो नीचे, जो मर्जी करो, लेकिन खुदा का वास्ता है, कमाना शुरू कर दो। आपके घर आटा खत्म होना कोई नहीं देता। काम सीखो और गौर से देखो। फिर कह रहा हूं, मुझे चाहे नीचे गालियां दो, काम सीखो। ये कंटेंट सारे ही चैनल्स पे कॉपी होने वाला है, और इसके बाद अगले 2-3 सालों तक ये कंटेंट आपको हर चैनल हर जगह पे नजर आएगा। क्यों? क्योंकि मिस्टर राव बनाता है और बाकी सब खाते हैं। अगर आप विकिपीडिया में देखें तो यहां पर भी कार्टून्स वाले ही चैनल्स हर जगह पे छाए हुए हैं, टॉप पर भी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री की सबसे बड़ी कार्टून एक वीडियो में, जो आपने आज तक ना देखी ना आज तक सीखी, और बाकी सारे तो बाद में सिखाएंगे ना, पहले वो इस वीडियो से तो सीख लें। जी जनाब, सबसे पहले आपने आ जाना है एनीमेकर.com वेबसाइट पे। यहाँ पर आके सबसे पहले आपने कोई एक रुपया एक टका नहीं देना लाइफ टाइम के लिए, मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। साइन अप के बटन पर आपने क्लिक कर देना है जनाब। पे आप अपने यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड दे सकते हैं, गूगल से भी लॉगिन कर सकते हैं, फेसबुक से भी। जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरह का डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में यहाँ पर ये माय प्रोजेक्ट्स में मैंने एक बनाया भी हुआ है। अब काफ़ी गौर से सुनना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है और इसमें बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अगर इसको हम सही से नहीं करेंगे या सही से आपको समझ नहीं आएगी तो आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी मूवमेंट्स होती हैं इनकी। क्रिएट के बटन पर सबसे पहले आपने क्लिक कर लेना है। क्रिएट वीडियो के बटन पर क्लिक कर लेना है जनाब। अब यहाँ पर पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स भी हैं, लेकिन हमने क्रिएट अ ब्लैंक प्रोजेक्ट, यहाँ पे हॉरिजेंटल वीडियो वर्टिकल टिकटॉक के लिए बना सकते हैं, जो कि बाकी बाद में क्रिएटर्स हमारी कॉपी करके आपको सिखा देंगे, और स्क्वायर में भी बना सकते हैं, लेकिन हम हॉरिजेंटल बनाने वाले हैं, तो इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर नीचे वाटरमार्क भी आएगा, इसको हटाने का भी प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सबसे पहले बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड्स हैं, यहाँ पर ख़त्म ही नहीं होते, नीचे आते जाएंगे बैकग्राउंड्स आते जाएंगे, बैकग्राउंड से भरा पड़ा है ये। अब यहाँ के बैकग्राउंड्स जो हैं इनको यूज़ किस तरह से करना है, फॉर एग्जांपल मैं ये बैकग्राउंड डालता हूँ तो ये मेरे पास ऊपर यहाँ पर देखें कि सीन वन आ गया, ठीक है। अब इसके बाद यानी कि सीन टू मैंने डालना है, तो प्लस के बटन पे डालूंगा तो यहाँ पर सीन टू आ जाएगा। सीन टू में भी हमने यही बैकग्राउंड रखना है तो इस पर क्लिक कर देंगे, दूसरा बैकग्राउंड रखना है तो इस पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह हम बहुत सारे सीन्स क्रिएट कर सकते हैं। सीन्स की लेंथ, सीन्स की ड्यूरेशन किस तरह बढ़ानी है घटानी है वो भी बताता हूँ। अब ये जो बैकग्राउंड्स हैं यहाँ पर नीचे टाइम लाइन में भी आ गए। अब इन बैकग्राउंड्स को हम छोटा बड़ा अपने करेक्टर्स के उनके बोलने के हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर सबसे टेम्पलेट आ जाते हैं, अगर कोई बना बनाया टेम्पलेट है, फॉर एग्जाम्पल ये लड़का बैठा है ये वॉशरूम में, यहाँ पर आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं, इस सीट को यहाँ पर कर सकते हैं, टिश्यू को यहाँ पर लगा सकते हैं, बास्केट को उठा के कहीं और डाल देंगे। उसके अलावा जो बैकग्राउंड है उसका हम कलर भी अपनी मर्जी से, ताकि बहुत से लोगों के दिमाग में होता है कि यार कॉपीराइट ना आ जाए, लेकिन कलर अपनी मर्जी से ये देखें ये कर दिया। अब यहाँ पर क्रिएट योर ओन करेक्टर, आप अपना करेक्टर खुद भी बना सकते हैं अपनी मर्जी का। यहाँ पर ये देखें कि उसको मेल होना चाहिए, फीमेल, फॉर एग्जाम्पल मैं मेल लिखता हूँ। उसके बाद उसके बाल ऐसे होने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रखता हूँ जी, उसने ग्लासेस, ये देखें कि उसके सर के बाल यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, ये इस तरह के रखने हैं, ठीक है। उसकी जो ये दाढ़ी है वो इस तरह की मुझे चाहिए तो मैं ये रख दूंगा,
दूंगा, ठीक है, उसकी आंखें जो हैं वो मुझे इस तरह की चाहिए तो मैं इस तरह की बना दूंगा, जिस तरह का करैक्टर मुझे सेव करूंगा फिर मेरे पास वो करैक्टर सेव हो जाएगा। जिस तरह की यहां पर आपको करैक्टर ये नजर आ रहा है, ये मैंने खुद से बनाया हुआ था, ठीक है। अब जनाब नीचे बहुत सारे करैक्टर ऑटोमेटिकली बने बनाए भी हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से एक ये मोटा लड़का जो आपने शुरू में देखा चिंटू, इसको यहां पर रखता हूं। अब इसके यहां पर एक्शंस आ गए, एक्सप्रेशंस आ गए, ठीक है। अब एक्शंस ये गा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सीन यहां से स्टार्ट होता है कि ये क्लास में खड़ा होकर गा रहा है, ठीक है। हम यहां से ये कर लेते हैं कि ये क्लास में खड़ा हुआ है और ये गा रहा है। अब यहां तक हमने सीन किया और इसके बाद हम ये कितनी ड्यूरेशन इसकी रखनी है, इसको लंबा करना है तो लंबा कर सकते हैं, गाना लंबा है अगर छोटा है तो हम इसको छोटा कर देंगे, ठीक है। ऊपर चिंटू पे क्लिक करेंगे और चिंटू को बड़ा छोटा भी हम यहां से इसको लंबा कर देंगे और सीन के मुताबिक इसको छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चिंटू के साथ आपने कोई और भी स्पोर्टिंग करेक्टर डालना है फॉर एग्जाम्पल, तो हम इस लड़की को डाल लेते हैं, ठीक है। ये मिंटी को हम इधर से उठा के यहां पर रख देते हैं जनाब, और मिंटी का करैक्टर भी जो है हम इसको चिंटू का जितनी देर है उतनी देर ही इसका रहे, या मिंटी बाद में आए तो इसको बाद में भी लेके आ सकते हैं। जनाब ये चिंटू गाना क्या गा रहा है, इस पे हम चिंटू पे क्लिक करेंगे करैक्टर पे। जब भी किसी भी करैक्टर पे आप क्लिक करेंगे यहां पर ऊपर क्या होता है, लिप साइंस, ठीक है, या फिर आप यहां से भी क्लिक कर सकते हैं इस पे, ये माइक का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे रिकॉर्ड वॉइस ओवर, रिकॉर्ड वॉइस ओवर पे क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे वॉइस रिकॉर्ड होगी। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हम बोलें चिंटू भी वैसे ही वैसे होंठ हिलाए, लिप उसका साइंस हो, ठीक है। हम लिप साइंस पे क्लिक करेंगे और यहां पर रिकॉर्ड वॉइस के बटन पर क्लिक करेंगे तो चिंटू जो है ये आपकी एग्जैक्ट लिपसिंग करेगा, ठीक है। रिकॉर्ड के बटन को दबाएंगे और ये देखें कि मैं जो बोल रहा हूं चिंटू बिल्कुल वैसे बोल रहा है। अब मैं गा नहीं रहा तो चिंटू बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होकर सुन रहा है। दबाएंगे और ये देखें कि मैं जो बोल रहा हूं चिंटू बिल्कुल वैसे बोल रहा है। अब मैं गा नहीं रहा तो चिंटू बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होकर सुन रहा है। समझ आ गई, चिंटू बिल्कुल वैसे ही कर रहा है जो मैं बोल रहा हूं। अब यहां पर साथ साथ अब जैसे ही ये बोलता हुआ रुके उसके बाद ये मैडम यहां से आए क्लास में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस मैडम पे क्लिक करते हैं, एक्शंस आ जाते हैं इसके, ठीक है। एक्शंस में यहां पर ये वॉकिंग वाला भी होगा, ये देखें ये वॉकिंग वाला है, ठीक है। अब चिंटू को फॉर एग्जांपल हम इधर खड़ा करते हैं और ये वॉक करती हुई आ रही है, ठीक है, वॉक करती हुई चिंटू के पास आती है। अब हम इसको क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे जनाब, ऊपर स्मार्ट मूव पे क्लिक करेंगे और स्मार्ट मूव पे हम जनाब इसको इधर से ये आ रही है, ठीक है, यहां से इसका पॉइंट जो है वो ये रख देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट से आके ये यहां तक आ रही है, ये यहां तक आती है, सही हो गया। यहां पर आके हम छोड़ देंगे इसको, नीचे से हम इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे ताकि ये स्लोली स्लोली आए, ठीक है। इसको प्ले करके ये देखें, ये इस तरह आ रही है। तो ये हम इसको सेव के बटन, अप्लाई के बटन पर क्लिक करते हैं। अब ये देखें कि जैसे जैसे चिंटू बोल रहा है गा रहा है साथ साथ ही आ रही है। ये देखें कि मैं जो बोल रहा हूं चिंटू बिल्कुल वैसे बोल रहा है। अब मैं गा नहीं रहा तो चिंटू बिल्कुल सेव खड़ा होकर सुन रहा हूं, ठीक हो गया। ये आपको समझ आ गई, अब मूवमेंट भी आ गई, उसके बाद करैक्टर कैसे लेके आना है। करैक्टर की यहाँ बहुत सारे एक्सप्रेशंस है, करैक्टर लेटा हुआ है, करैक्टर बैठा हुआ है, करैक्टर पीसी पे काम कर रहा है, वो करैक्टर का आप काम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब चिंटू गा रहा है लेकिन गुस्से में गा रहा है, एक्सप्रेशन पे आते हैं। एक्सप्रेशन पे आने के बाद यहां पर ये देखें सुपर एंग्री, गुस्से में, अब ये गुस्से में बोल के गाएगा, ठीक है। ये जो भी गा रहा है ये गुस्से में गाएगा, तो ये एक्सप्रेशन भी आप साथ साथ चेंज कर सकते हैं इनके। अब अगर आप ब्लैक बोर्ड पे या कुछ भी टेक्स्ट भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल मैं इस टेक्स्ट को लाता हूँ, ये सब्सक्राइब वाला आ गया, अंदर आपने कुछ भी लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखना है, ठीक है। वैसे घर के ऊपर कहीं लिखा हुआ हो, ये लिखा हुआ, वो लिखा हुआ, आपके चैनल का नाम लिखा हुआ, तो वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कोई भी चीज़ लाते हैं, ये एक सीट डालते हैं हम, क्योंकि क्लासरूम है तो हमने एक सीट डालनी है जनाब, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक सीट रख देंगे, सही है, यहाँ पर इस सीट को छोड़ा छोटा करके हम ये एक सीट रख देते हैं, ठीक हो गया। इस तरह की चीज़ें हमने, टेबल डालना है, टेबल है, हर तरह की चीज़, हर तरह का सब कुछ आपको मिलेगा जिस तरह का आपका सीन है। यहाँ तक सीन वन में ये सब कुछ हो रहा है और चिंटू गा रहा है, ये हमारा सीन वन हो गया। अब सीन टू पे आ जाते हैं, सीन टू जो है ये तो बिल्कुल अलग है जनाब, तो हम ये मैंने आपको समझाने के लिए किया था, इसको हम डिलीट करते हैं। अब यहाँ से हम प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट सीन क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में दोबारा भी हम वो चीज़ें रख सकते हैं, या फिर हम इसी सीन में आएंगे सीन टू में, यहाँ पर बैकग्राउंड में आएंगे, बैकग्राउंड में आकर दोबारा वही बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं सिंपली इसको कॉपी किया, ये चेयर, और यहाँ पर आके पेस्ट कर दी, उसी जगह पे चेयर आ गई। सीन वन की ये चीज़ कॉपी की सिंपली, यहाँ पे सीन टू में आके पेस्ट कर दी, वही आ गई, ठीक हो गया। इसी तरह सीन वन का ये चिंटू को कॉपी किया, सीन टू में आए, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमने ये बोलना है कि चिंटू बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ है, ठीक है, सॉरी ये मैं इसे चिंटू चिंटू कह रहा हूँ, लेकिन ये बंदा जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ है।
हम इस पे क्लिक करेंगे, ऊपर एक्शन का बटन है, एक्शन दबाएंगे और एक्शन के बाद फॉर एग्जांपल अब इसमें ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ खड़ा हुआ है, खड़ा होकर सिर्फ सुन रहा है, यहां पर ये स्टैंडिंग नॉर्मल ठीक हो गया, ये यहां पे खड़ा हो जाता है। अब यहां पे सीन टू में ये खड़ा हुआ है और लड़की जो यहां तक आई थी वो लड़की क्या कर रही है, हम उसको कॉपी कर लेते हैं यहां से, ठीक है, इसको हमने कॉपी किया और यहां पर आके हमने पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, यहां पर आके इसका जो एक्शन है ये हम चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम स्टैंडिंग विद एंगर, यहां पर ये गुस्से में खड़ी हुई है या यहां पर आके वो रोने लग पड़ी है, तो ये हम कर देंगे। इसके बाद इसमें भी आप लड़की की वॉइस या लड़की ये आके फॉर एग्जांपल ये ऐसे कुछ कह रही है और लड़की की आवाज़ में यहाँ पर आप क्या करेंगे, लड़की पे क्लिक करेंगे, लिपसिंग पे क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड वॉइस और ये जो भी आप रिकॉर्ड करेंगे उसके बाद लड़की वैसे ही जो भी बोलेगी वो यही सुनेगा। अब इसी तरह अगर आपने कोई और करेक्टर लेकर आना है इन दोनों के बाद तो वो दूसरा करेक्टर भी लेके आ सकते हैं, या बैकग्राउंड कोई और रखना है तो आप कोई और बैकग्राउंड रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये चलते चलते बाहर आ गए तो हम बाहर यहाँ पे लेके आ सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर इन दोनों ये दोनों वॉक कर रहे हैं तो हम इनको वॉक करता हुआ दिखा सकते हैं, या बात कर रहे हैं तो हम बात करता हुआ दिखा सकते हैं, बैठा हुआ दिखा सकते हैं कहीं पर भी। फॉर एग्जांपल इसको हमने इस चेयर पर बिठाना है तो यहाँ पर ये बैठ गई, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह बिठा सकते हैं, ये इसके साथ खड़ा हुआ है तो यहाँ पर इसको थोड़ा छोटा बड़ा भी आप कर सकते हैं, ये इसको हम रिमूव कर सकते हैं जो सीन वन में था, इसको हम डिलीट कर देंगे। अब ये जो बात कर रहे हैं आप इसमें दोबारा लिपसिंग कर सकते हैं, इसकी लिपसिंग कर सकते हैं, उसके बाद ये चल रहा है तो सिंपली आप इसी पे कल करके स्मार्ट मूव पे क्लिक करके और ये चलता हुआ इसके पास आया तो यहाँ पर आप चलता हुआ इसके पास ले आएंगे, सिंपली सी बात है। उसके अलावा आप इमेजेस डाल सकते हैं इसके अंदर बहुत सारी, खुद से अपलोड करके यहाँ पर अपलोड्स में आके यहाँ पर कोई भी फॉर एग्जांपल ये इमेज है तो ये इमेज डाल सकते हैं, मैंने वैसे ही डाल के देखी थी। अलावा वीडियो है, कोई वीडियो आप चला सकते हैं, यहाँ पर चिंटू फॉर एग्जांपल बैठ के कोई वीडियो देख रहा है, साथ में आपकी वीडियो चल रही है। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी में मैंने आपको पहले बताया कोई भी चीज किसी भी तरह की आपको चाहिए तो यहाँ पर ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ पेन, ठीक हो गया, पेन लिख के मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ तो यहाँ पर ये देखें ये सारे पेन आ गए, ठीक हो गया, इनमें से अब मैं कोई भी यहाँ पर इसको पकड़ा सकता हूँ या इसको मैं यहाँ पर लेके आ सकता हूँ, सही है। अब सीन वन, सीन टू, इसी तरह सीन थ्री, सीन फोर, यूं करते करते आप 8-10 सीन डाल लें, ठीक है, और अपनी मर्जी से उसको बना लें। यहाँ पर आप टेम्पलेट्स में देख लें, टेम्पलेट्स में भी आपको बहुत अच्छी अच्छी ये देखें ये सारी ये जो चीज़ बनी हुई है ये चीज़ ये सारी इन्होंने खुद बनाई हुई है, ये जो चीज़ थी ये इधर से आप उठा सकते हैं खुद से बना के प्रॉपर्टी से, ठीक हो गया, ये चीज़ इन्होंने प्रॉपर्टी से उठाई हुई है। इसके बाद फॉर एग्जांपल ये अम्मा है, ये किचन में काम करते करते यहाँ पर आती है और यहाँ पर आके कहती है बेटा कुछ खाओगे, ठीक है, बेटा यहाँ से चलता चलता आता है, जी मम्मा मुझे ये खाना है वो खाना है, ठीक है, सही हो गया। मतलब इसको आप खुद से एनिमेट करना मैंने आपको सिखा दिया है, इसके ऊपर लिपसिंग कैसे करनी है, इनको मूवमेंट कैसे देनी है और फिर नेक्स्ट सीन में जाके बेडरूम में सीन ले आए, ठीक है, बेडरूम में जाके बच्चा खेलने लग पड़ता है, अम्मा उसे कहती है खाओ, ये कहता नहीं खाता। उसके बाद जनाब बैकग्राउंड में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर ABC जो पढ़ाते हैं, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम इन चीज़ों को रिमूव करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये करेक्टर सेलेक्ट किया, अब ये यहाँ पर पढ़ा रहा है स्टैंडिंग एंड टॉकिंग, ठीक हो गया, यहाँ पर ये कहता है ए फॉर, यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे एप्पल एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ये आप इस तरह की एनिमेशन डाल के ये बच्चे इतना देखते हैं, इतना देखते हैं कि आपकी सोच है। हम इसकी लिपसिंग पे जाएंगे, रिकॉर्ड वॉइस A for apple, ठीक हो गया, ये हमने ये कर दिया। अब क्या करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे और यहां पर लिखेंगे apple, ठीक हो गया, अगर apple यहां पर नहीं भी फॉर एग्जाम्पल आता आप पिक्चर्स में से उठा के डाल सकते हैं। अब यहां पर ये apple आ गया जनाब, ठीक हो गया, एप्पल को छोटा करके यहाँ पर डाल देते हैं। उसके अलावा फिर हम क्या करते हैं, टेक्स्ट में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल सिंपली हमने एड हेडिंग वाला ये इसको लिया, ठीक हो गया, इसको कलर जो है ये हमने ग्रीन बोर्ड है तो हम इसको व्हाइट दे देते हैं, ये हमने लिख दिया साथ में ए फॉर एप्पल, ठीक हो गया, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं ए फॉर एप्पल। इसी तरह अब नेक्स्ट में दोबारा क्या करेंगे, दोबारा यही करेक्टर है, ठीक हो गया, नेक्स्ट वॉइस रिकॉर्ड करेंगे, इसको डिलीट करेंगे ए फॉर एप्पल को, यहाँ पर इस एप्पल को डिलीट करेंगे, इसको यहाँ से छोटा कर देते हैं जनाब यहाँ तक, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट में बी फॉर बॉल, यहाँ पे प्लस के सीन पे आते हैं, सिंपली यही बैकग्राउंड लगाएंगे, उसके बाद यही टीचर सेम जगह पे खड़ा हुआ है, इसको कॉपी करेंगे, इधर ले आएंगे, पेस्ट कर देंगे। प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पर बॉल सर्च कर लेते हैं, ठीक हो गया, बॉल लिखी, ये हमारे पास बॉल आ गई, इस बॉल को हम छोटा बड़ा कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक इतना छोटा कर लिया, ये बॉल आ गई जनाब। A for apple, B for ball, ये आपने कर दिया। इसी तरह ABC पूरी आप सिखा सकते हैं, ठीक है, आप कार्टून्स बना सकते हैं, आप एनिमेशन बना सकते हैं, छोटी छोटी स्टोरीज बना सकते हैं कि यार चलो आओ हम चलें वो डोरा वाले, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल वो आपने बनाने हैं। उसके अलावा और बहुत सारे आप बना सकते हैं कि यार आज हम ये करने जा रहे हैं, एक पूरी सीरीज एनिमेशन की आप बना सकते हैं, कार्टून की सीरीज।
ये यहाँ से छलांग मार रहा है, ठीक हो गया, तो या आप बहुत कुछ कर सकते हैं इसमें। उसके बाद ये फॉर एग्जांपल सारा सेव हो गया प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट सेव होने के बाद पब्लिश के बटन पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड वीडियो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये डाउनलोड पे आपने क्लिक कर देना है जनाब, उसके बाद ये आपका रेंडरिंग पे लग जाएगा, ठीक हो गया। ये वाटरमार्क आएगा, इसको रिमूव कैसे करना है ये भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर डाउनलोड बटन आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद हम किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे, चाहे मोबाइल फोन हो, कैपकट आप यूज़ कर सकते हैं, सिस्टम पे आप प्रीमियर यूज़ कर सकते हैं, फिल्मोरा यूज़ कर सकते हैं, काइन मास्टर, जो आपका दिल करे, ठीक है, उस पर आ जाएंगे। अब आपने सिंपली जो डाउनलोड हुआ था उसको यहाँ पर डाल देना है। अब ये मेरी पिछली वीडियो जो आपने सबसे पहले देखी, ये मैंने डाउनलोड की हुई थी। अब यहाँ पे हम किस तरह से इसको एनीमेकर से हटाएंगे, अब ये देखें इसमें एक्सप्रेशन, इनके गुस्से वाले, ये वो सब कुछ चेंज हुए हैं। आप दोबारा से वीडियो जब स्टार्ट करेंगे उसमें देखिएगा कि पहले वो किस तरह बोल रहा है, फिर वो किस तरह बोल रहा है, फिर वो किस तरह बोल रहा है, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे मेड विद एनीमेकर आ रहा है, टेक्स्ट ब्रश पीएनजी, ठीक है, टेक्स्ट ब्रश पीएनजी लिखेंगे तो इस तरह के बहुत सारे ये ब्रशेज आ जाएंगे पीएनजी के फॉर्मेट। इनमें से फॉर एग्जांपल ये मुझे ठीक लग रहा है तो मैं इसको पीएनजी में अगर है तो मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा जनाब। यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद दोबारा मैं प्रीमियर में आ जाऊँगा और प्रीमियर में आके मैं इसको डाल दूंगा यहाँ पर, ठीक हो गया। अब यहाँ पर डालने के बाद इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ जनाब और इसको एंड तक ले जाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ से, ये जहाँ पर एनी मेकर था या इसका लोगो आ रहा था, इसके ऊपर मैं इसको लगा देता हूँ जनाब। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मिस्टर हाउ टून्स, ठीक हो गया, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक हो गया, छोटा करके मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, या अपने डिज़ाइनिंग के हिसाब से आपने फिर ये टेक्स्ट में जो जो डिज़ाइन करने अपनी मर्जी के हिसाब से वो डाल के या पूरे उसमें चलेंगे, ठीक हो गया, ये यहाँ तक मतलब पूरे उसमें चलेगा। अब ये देखें तो ये आप करके सिंपली इस फाइल को सेव कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। अब ये हमारी फाइल रेडी हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं, ठीक हो गया, ये हमारी फाइल, ये इसको मैं वॉल्यूम म्यूट कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये हमारे पास कार्टून्स रेडी हो चुके हैं। अगर आप यूट्यूब पे आगे सर्च करें कार्टून, 36 मिलियन व्यूज, 394 मिलियन व्यूज, 15 मिलियन व्यूज, 104 मिलियन व्यूज, 34 मिलियन व्यूज, 35 मिलियन व्यूज, 240 मिलियन व्यूज, 465 मिलियन व्यूज, मिलियंस ही मिलियंस। क्यों? क्योंकि बच्चे बार बार देखते हैं, एक कार्टून को इतनी बार देखते हैं कि आपकी सोच है। उसके अलावा अगर आप पोएम्स देखें तो 153 मिलियन, 15 मिलियन, 42 मिलियन, 89 मिलियन, 87 मिलियन, 15 मिलियन, 5.5 बिलियन, 5.5 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, इतने बंदे नहीं है जितने व्यूज आ गए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला जो कंटेंट है वो कार्टून्स का है, और सबसे ज्यादा कम जो बनाए जाने वाला कंटेंट है वो भी कार्टून्स। हाँ भाई शेरो, अभी तक शेर ही हो या बकरी बन गए हो? अगर बकरी बन गए हो तो थोड़ा खाओ पियो, थोड़ा रेस्ट मारो, लेकिन काम दबा के करो। अब ये नहीं पहली वीडियो डाली सर जी मेरे तो व्यूज ही नहीं आ रहे, सर जी पैसे नहीं आ रहे, सर जी यूट्यूब ने नोटों का थैला घर नहीं भेजा, मेरे घर भी नहीं भेजा था। अब जो आप मुझको देख रहे हैं ना, मेरे काम की वजह से देख रहे हैं, यहाँ पे मैं शाहरुख खान नहीं हूँ, काम सीखने आए हो ना, कुछ मिल रहा है तभी देख रहे हो। इसी तरह जब आप क्वालिटी दोगे तो आपके पास भी लोग आएंगे। लोग किसी के सगे नहीं है, किसी के चाचे के पुत्र नहीं है, ना आप मेरे हैं ना मैं आपको हूँ, सीधी बात है। लेकिन मेन चीज़ ये है, काम करो, मेहनत करो। ऐसा सच आपको जब बाकी चैनलों से मिला तो उनको जाके चुमियाँ दीजिएगा, ठीक है, मिस्टरों को गालियाँ दीजिएगा, कोई मसला नहीं। लेकिन जब तक जिंदा हूँ पाकिस्तान को उठाने की कोशिश करता रहूँगा, और आप जो मर्जी करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।